खर्जी मधुबन पर्वत का। एक कहानी है बताऊंगा तुम्हें बाद में नीचे उतर के। भगवान के निर्वाण महोत्सव पे बहुत भीड़ उमड़ी है पहाड़ पे टोक पे। जय जैन मित्रों, और हम आए थे यहाँ पे दर्शन करने, और हमें देखिए क्या मिले, मयूर भैया मिले हमें साथ में। तो गाइस हम आ रहे थे और एक बेटी हो गई। तो हेलो नमस्ते जय जैन, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। और आज हमें जाना था ऊपर पहाड़ पे, हमें तो नहीं मतलब मुझे जाना था अपने साथियों के साथ, भाई वगैरह के साथ, लुंडे के साथ 3 बजे। तो जैसे एज यू नो मैं नींद का कितना अच्छा हूँ, तो उन्होंने उठाया, मैं उठा ही नहीं, वो मुझे छोड़ के चले गए। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, और लकीली भगवान की दया से एक प्लान बनाया अर्पित भैया ने कि अब बाइक से चलेंगे ऊपर और बाइक से वापसी आएंगे। तो अभी रेडी हो चुका हूँ, आज का आउटफिट ये है, तो बाकी लोग भी रेडी हो चुके हैं, बस अर्पित भैया नहा के बाहर आ रहे हैं। तो फिर बाइक के नीचे लग चुकी है, देखो ये नीचे 6 बाइकें लग चुकी है, सब लोग जाएंगे बैठ के और जल्दी से ऊपर लड्डू चढ़ा के आएंगे। तो भगवान का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और बहुत हमारा पुण्य होते हैं जो हम ऊपर जा पा रहे हैं। मेरा तो बिल्कुल ऐसा हो गया था, कैंसिल हो गया था, उसके बाद भी अगर मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो बन रही है इस ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको ऊपर का, आज बहुत अच्छा माहौल होने वाला, बहुत बढ़िया ऊपर के दृश्य होगा, पूरा भक्ति से उल्लास से हर्षोल्लास से ऊपर भरा होगा। ऊपर जाएंगे, भगवान को निर्वाण का लड्डू चढ़ाएंगे, और अपने आप अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे और थोड़ा सा पुण्य अर्जित करेंगे। तो बन रही है और देखना पूरा ब्लॉग, जज मिल ऑल सेट, अब चल रहे हैं सब। नाथ भगवान की। फाइनली भक्तों आ चुके हैं ऊपर, ये है आपका डाक बंगला। अब भक्तों की आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब चल रहे हैं ऊपर डाक बंगले की तरफ। जय जिन मित्रों, और आ चुके हैं हम डाक बंगले पे। ये देखो मेरे पीछे जो डाक बंगला है, थोड़ी सी चढ़ाई करनी है और चलते हैं पारस बाबा के धाम। भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है देख के, ऊपर तो और भी अच्छा माहौल होगा। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं अर्पित भैया का और हिमांशु भाई का, वो पीछे रह गए हैं, तो बस वो आते हैं और फिर साथ में चढ़ाई शुरू करते हैं। आधा किलोमीटर शेष है गाइस, और यहाँ से देखो रास्ता कट जाता है, अगर आप पारसनाथ जी की टोपर डायरेक्ट आते हो तो गौतम गंदर और चौपटा को आने का ये रास्ता है, और सीधा ऊपर जाना है तो ये रास्ता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है डोली वालों की भी, काफ़ी संख्या में डोलिया वाले आ रहे हैं, और बाइकर तो नीचे रुक गए थे, बाकी पैदल यात्री भी काफ़ी ज़्यादा है। फाइनली गाइस आ चुके हैं पाशा भगवान की टोक पे, यहाँ से उनकी सीढ़ियाँ शुरू हो रही है, तो बस अब सबको इंतजार है। हम तीनों इधर आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, तो अब सब साथ में चलते हैं ऊपर और पूजा करते हैं, भगवान को लड्डू समर्पित करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देखो भक्तों 1-2 घंटे की लाइन लगी हुई है यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर, बहुत मात्रा में भक्त का सैलाब आ रखा है यहाँ पे, और हम भी लगे हुए लाइन में, बस देखते हैं कब नंबर आता है। फाइनली इतनी भीड़ में लाइन में लग के पहुँच चुके पारसनाथ भगवान की टोक पर, बस चंद सीढ़ियां और फिर हम होंगे पारस प्रभु के चरणों के पास। सब लगे हुए लाइन में, विभोर जी हमारे, अर्पित भैया, हिमांशु भैया, और ये इसकी एक कहानी है बताऊँगा तुम्हें बाद में नीचे उतर के। बादलों से ऊपर बसे हुए हमारे पारसनाथ स्वामी, ऐसे भगवान को हमारा बारंबार नमोस्तु, जय हो भगवान, जय हो। भीड़ का आप नज़ारा देख सकते हैं, कम से कम 4-5 घंटे की लाइन है, और 6 घंटे तो हमें लग गए, 4-5 घंटे की लाइन है भाई, 6 घंटे हमें लग गए, 6 घंटे 4 घंटे की लाइन चंदा प्रभु पे भी है, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, 10 घंटे तो हमें इसी में लग गए, और सारे हम कैसे जल्दी करा दूँ। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों ने, नंगे पैर बिना डोली, और देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे पार्श्व भगवान की टोक का, सोनभद्र कूद फूलों से सजाया हुआ है पार्श्वनाथ प्रभु का धाम। और चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, और आ गए हैं हम भगवान पार्श्वनाथ के चरणों पे। चलो दर्शन कर लीजिए, भीड़ देख सकते हैं बहुत ही है, और अब भगवान को लड्डू समर्पित करेंगे हम।
ने सजा कर लाया, जो बदले आपने पाई है मैं भी उस मर लल जाया हूँ। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र स्वर्ण मधुपुर में साक्षात राज जिनके चरणा बिंदु मेरा बारम्बार नमस्कार। मित्रों फाइनली दर्शन हो चुके हमारे और भीड़ देखो आप, भीड़ काफी है, बहुत बड़े दर्शन हुए सबने। अर्चना जय हो। अरे रे सबके सामने प्रचार कर रहे हैं सबके सामने। ये प्रवीण भैया अभी लाइन में लगे हैं, अभी तक ये भी जल्दी से दर्शन करके आते हैं और अब बस नीचे चलते हैं उतरते हैं। भक्तों का बहुत ज़्यादा सैलाब बढ़ चुका है यहाँ पे और अब तो लगता है कि 5-6 घंटे की लाइन कम से कम। देखिए आप, बेकाबू हो चुकी है भीड़। भगवान के निर्वाण महोत्सव पे बहुत भीड़ उमड़ी है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या रहता है। जय जन मित्रों, और हम आए हुए थे यहाँ पे दर्शन करने, हमें देखिए क्या मिले। मयूर भैया मिले हमें साथ में, बहुत बहुत हमारा सौभाग्य भैया मिले। भैया की आवाज़ बहुत बढ़िया, भैया का चैनल भी सब्सक्राइब करो और कभी बुलाना हो तो साथ में बुलाइए। थैंक यू सो मच। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं, तुम दुबन बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तुम दुबन बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। व्हाट्सअप गाइस, तो देखा आपने कितना मधुर आवाज़ थी भैया की, मयूर भैया की। तो उनके भी आप देखिएगा चैनल, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा शिखर जी मधुबन पर्वत का। जय हो। अब उतर रहे हैं, यात्रा बहुत अच्छी हुई, दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे साथ हमारे अर्श भाई। अब इसकी जो मैं कहानी बताने वाला था वो सुनो। भाई खाते हैं दिन में 1 रोटी 20 कुरकुरे, ठीक है। अर्पित भैया जो इनके पिताजी हैं उनसे आज ये पिटते पिटते बच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइन में लगे हुए थे और भाई ऐसे हो गए, मतलब कुछ भी नहीं, सीधा फेंट, सीधा मतलब लाइन में लगे लगे और हम घबरा गए मैं और अर्पित भैया, कैसे कैसे हो गए भाई को। उसके बाद भाई का पूरे ट्रीटमेंट करी, डॉक्टर को दिखाया और फिर भाई उसमें आए और अब भाई को समझाया गया है कि भाई रोटी खाएं, कुरकुरे ना खाएं, है ना भाई? खाएंगे ना? नहीं अब नहीं खाएंगे। अब नहीं खाएंगे रोटी? नहीं खाएंगे आप? रोटी तो खानी पड़ेगी। हाँ, तो आप भी सब समझे जितने बच्चे देख रहे हैं, रोटी खाएं कुरकुरे ना खाएं, रोटी के बाद कुरकुरे खाएं लेकिन रोटी से पहले ना खाएं। तो सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब चलते डाक बंगले पे और दिखाते हैं आएगा सीन। चल चुके हम नीचे की तरफ, बाबा से यही दुआ है जल्दी बुलाए अगले साल भी दोबारा से। लेकिन लगता नहीं। तो गाइस हम आ रहे थे और एक बेटी हो गई, इन्होंने यहाँ आधे रास्ते में चेक पोस्ट लगा रखा है मिलिट्री ने, ताकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से और ज़्यादा बाइकों की आवाजाही ना हो, तो उस वजह से यहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ। भैया ने यहीं उतार दिया हमें। अब यहाँ से भी 10-15 मिनट का रास्ता है, तो देखते हैं, तो पैदल ही जाएंगे, देखते हैं इसमें। तो बाकी इंतजार कर रहे हैं, अर्पित वगैरह वो पीछे रह गए, इधर ये लोग है ही। जय जिनेन्द्र मित्रों, ओहो मतलब देख सकते हो कैसी हो रही है। वापस आ चुके हैं रूम पे और यात्रा हो चुकी है कंप्लीट। भगवान का बहुत बहुत हमारे पे आशीर्वाद था जो हम दोबारा यात्रा गए लड्डू की। हमने पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी, कोई किसी का मन नहीं था कि आज जाएंगे, क्योंकि हमारे जो साथी थे वो 2 बजे जा चुके थे और हम लोग का एकदम अर्पित भाई के मन में भाव आया कि 8 बजे चलते हैं बाइकों से और हमने गए। हाँ ठीक है, माना जाता है कि पैदल करनी चाहिए यात्रा, लेकिन अगर हम पैदल करते जिस हिसाब से भीड़ थी तो हम 7-8 बजे तक आते, क्योंकि हमको शाम को ट्रेन से निकलना था। तो वो एक मद्देनजर रखते हुए हमने बाइकों से करी और बहुत अच्छी यात्रा रही बाबा की कृपा से। लड्डू भी बहुत अच्छे चढ़ाया हमने, तो बस अब देखते हैं क्या आगे का है। अब जहाँ तक भूमिया जी जाएंगे वहाँ चोला चढ़ाएंगे। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। तो जय जिनेन्द्र मित्रों, और ऑल सेट, जर्नी हो चुकी है ख़त्म। बहुत बढ़िया जर्नी थी, बहुत बढ़िया दर्शन रहे। भगवान पार्श्वनाथ हमें बार बार बुलाए यही मेरी मनोकामना है। मेरा पहली बार लड्डू पे ऐसा, मैंने निर्वाण पे भगवान के आया हूँ शिखर जी, और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, सब लोग बहुत अच्छा रहा जैन मंच के साथ। तो अगली बार भी मैं
उम्मीद है मेरी पूरी कि मैं आऊँगा क्योंकि मेरा तो मन लग गया है। बाकी आप बताना आपको दर्शन कैसे लगे, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको दर्शन कराने की, कोई गलती हो कोई कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और बताइएगा क्या मेरी क्या कमियाँ दूर हो सकती है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी अब तो मैं एक लगा कुछ कहना चाह रहा उसकी बात सुनो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बस अब छोटे भाई ने कह दिया तो उसकी बात रख लेना, देख लो ऐसे भी कितना क्यूट है, क्यूट बंदों की बात तुमने सुनोगे तो कैसे चलेगा। इतने दिन से आप मेरे को देख ही रहे होंगे तो अब कुछ नया लाएंगे तो वो भी जल्दी आएगा, नए नए ब्लॉग आएंगे, अब तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी कॉन्स्टेंट रहेगा। बाकी इस व्यू के साथ एंड करते हैं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम गरीब होगे बहुत अच्छे ऑडियंस हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा करते हुए, कुछ बढ़िया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जिंदगी।